हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे अजान शो में। तो चलिए अलीशबा का आज हम इंटरव्यू लेंगे और ये है एपिसोड नंबर 3। तो चलिए इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। तो आप गाइस अलीशबा को बताइएगा मत कि अलीशबा का आज मुंबई ट्रिप इंटरव्यू है। तो चलिए अलीशबा का इंटरव्यू चुपके से लेते हैं। तो चलिए अलीशबा जी एंट्री। आपको क्या मीनिंग है कि आज का इंटरव्यू क्या होने वाला है? शायद एयरप्लेन के बारे में या मैंने जो भी यहाँ पर किया उसके बारे में। लेकिन आप गलत निकली। आज का इंटरव्यू है मुंबई ट्रिप। ये ऑडियंस को पहले से पता था। तो चलिए आप, मेरे को पता है कि आप 2015 में गए थे मुंबई ट्रिप पे। तो आप वहाँ क्या किए अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सब बताइए। अपनी फैमिली के साथ क्या किए ये सब बताइए हमें। आज आप हमारे ऑडियंस आपको देखने के लिए आ गए हैं। तो चलिए, तो मैं ये चीज़ बोलना चाहती थी, जब हम लोग ट्रिप में जा रहे थे हमारे साथ बहुत बुरी चीज़ हुई थी। हम जब जा रहे थे तो वहाँ ठंडी का मौसम था तो बर्फ़ गिर रही थी। तो हम लोग जा ही रहे थे तो कश्मीर में जैसे पूरा बर्फ नहीं गिरा रहता है तो वैसे ही था। तो वहाँ पर 3-4 हाइना आ गए थे तो हमने छुप गया, कहीं जाके छुप गया। तो जब वो हाइना चले गए तब हम लोग गए, बट वो पीछे मुड़ के देख ले हाइना। तो हम लोग अपनी गाड़ी लिए, वो जो नहीं चलाते हैं क्या स्नो पे पैर से, टाइगर जिंदा है में जो वो नहीं था पैर से चलाते थे, बुल चलाती है। हाँ वो मैं हम लोग चलाने लगे, बट मैं सबसे पीछे रह गई थी क्योंकि मैं छोटी थी और मेरे को ज़्यादा अच्छे से चलाना भी नहीं आता था। तो फिर जब हाइना आगे चले गए तब मेरे पापा पीछे आके ले के भगाए, जो फिर हम लोग सेव हो गए थे एकदम। तो गाइस देखिए, आपने हाइना मिला था अलीशबा को मुंबई ट्रिप पे। तो चलिए, तो गाइस अब हम पूछेंगे कि मुंबई ट्रिप पे जब वो जा रहे थे तब पहुंचे तो उन्होंने स्टार्टिंग पे क्या किया? स्टार्टिंग पे हम लोग जैसे ट्रेन से उठे, मेरे को हम लोग को नानी दिख गए, मेरे को मेरे नानी दिख गए। तो हम लोग सब भाग के गए उनके पास और गले मिल लिए जोर से। तो इतने सालों इतने दिन के बाद मिले तो गले ही मिलेंगे। हाँ, आपके नानी आपके साथ एकदम अच्छा बर्ताव करते हैं? मेरे नानी क्या, सभी के नानी अच्छा बर्ताव करते हैं। मैं ये नहीं कह सकती सिर्फ मेरे नानी अच्छा बर्ताव करते हैं, मेरे से ही करते हैं। मेरे नानी सबसे अच्छा बर्ताव करते हैं और सभी के नानी सबसे अच्छा बर्ताव करते हैं। तो आपका क्या मतलब है कि आप जैसी नानी आपको लेने आए स्टेशन पे तो आपको घर लेके गए, तो फिर आप घर में जाके पहला कदम रखे तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरा पहला कदम कहाँ रखा। मैं दौड़ के गई अंदर और जितने भी लोग रहते हैं मेरे वहाँ, मेरा भाई रहता है और मुमानी रहते हैं, मामू रहते हैं, सब रहते हैं। तो मैं उन सब से जा के गले गले मिल के पूरा चौल पूरा घर घूमी, जितने भी घर थे हमारे वहाँ। मैंने सुना था कि आपके साथ 2015 में जनवरी को जब आप मुंबई ट्रिप पे गई थी और आपने अपना पहला कदम रिक्शा होती है ना ऑटो, उससे नीचे रखा तो आपका पैर गोबर पे चले गया। ये ऐसा तो हुआ था, बट अच्छा हुआ कि वहाँ बर्फ थी तो थोड़ा काम पूरा हुआ था। ओहो, तो इसका मीनिंग है कि हुआ था गोबर पे पैर। गाइस तो गाइस अलीशबा आपके ऊपर मैं हंस रहा नहीं हूँ, ऐसा मत समझिए कि इंटरव्यू करने के बुलाते हैं और हंस देते हैं अपने, हम लोग बेइज्जती कराते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो गाइस
अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बन जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब भी बन जाए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे सारे के सारे एपिसोड आप तक पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। तो गाइस अब हम लेंगे और इंटरव्यू, जाइएगा मत, भागिएगा मत। तो चलिए अलीशा जी, आपका एक इंटरव्यू आया था हा? जब मैं आपका 2016 में ले रहा था इंटरव्यू, तब आपका मुंह एकदम उतरा हुआ था, वो क्यों उतरा हुआ था? वो इसलिए उतरा हुआ था क्योंकि मैं नानी से मुंबई जा नहीं सकती थी, मिल नहीं सकती थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, और तबीयत खराब थी फिर भी मैं आई थी इंटरव्यू देने के लिए। थोड़ी बहुत ही ख़राब थी, ज़्यादा बेड पे लेटने वाली नहीं थी, बट फिर भी मम्मी जाने नहीं दे रहे थे हम लोग को, हम लोग सब जा नहीं रहे थे मुंबई क्योंकि अभी मम्मी को अलाउड नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने सुना 2019 में ही कोरोना स्टार्ट हुआ था, हाँ तो आप कभी अपने नानी के पास मिल सकती थी कि नहीं? नहीं नहीं, जब कोरोना स्टार्ट होने का पहला दिन जब लॉकडाउन लगा था उससे एक दिन पहले ही नानी यहाँ थे और वो उसी दिन चले गए। अगर वो एक दिन रुक जाते ना तो अभी मेरे पास यहाँ इंटरव्यू के साथ लाती मैं उनको, यहीं बैठ के हम लोग इंटरव्यू करते, यहीं पर होते हम लोग, यहीं पर मज़ा करते। अभी मैं बहुत रो रही हूँ मुंबई जाने के लिए क्योंकि मेरे को मिलना है नानी से। वो तो मुझे भी अपने परिवार से मिलना है। और अब आपका एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। मैंने सुना था आपने 2000 जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उसके लिए 2018 में एक ट्रिप पे गए थे, हाँ कहीं छत्तीसगढ़, हाँ तो वहाँ पे आग रात में आग जला के नाचते वो सब करते रात में जंगल में। तो फिर आप ये कि ना आप आग जला के नाच रहे थे, आपके सारे सदस्य नाच रहे थे परिवार के, तो फिर आप आग को पानी समझते थे, तभी आग को पानी समझते थे, तभी आप छोटे थे इसलिए आग को पानी समझ के उसमें नहाने के लिए डूब रहे थे। हाँ ये तो हुआ था, बट मैं नहीं मानती ये हुआ था क्योंकि ये हुआ था ना जब मेरी जान जाते जाते बची। तो मैं बताता हूँ ऑडियंस को कि कैसे बची थी, इनके भाई ने मुझे बताया कि कैसे बची थी, तो मैं बताता हूँ कैसे बची थी कि यह ना आग को पानी समझ के स्विमिंग पूल समझ के नहाने गए, और वैसे ही अलीशवा जी जो इंटरव्यू दे रही है वो कूदी, उनके भाई ने अपने पीछे लेफ्ट हैंड से ऐसे यहाँ अपनी गर्दन ऐसे यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया, बार बार बच गई अलीशवा की जान। आपको हंसी आई थी तभी जब आग आग होती है पानी पानी होता है तब पता चला? तब हाँ तभी पता चला था हमें, उससे पहले तो पता ही नहीं था। वो बहुत मुश्किल से मैं बची थी, अगर मैं भाई का ना सिर्फ इतना सा छुआया था, अगर उसने इतना सा भी नहीं पकड़ा होता ना, और मैं आग के एकदम ये पास ही थी ऐसे ही थी पूरी, तो मेरे भाई ने इतना पकड़ के खींचा है। तो आपको पता चला ऑडियंस की अलीशबा का कैसा बर्ताव था पूरे मुंबई ट्रिप में? तो हाँ मुंबई ट्रिप के ऑप्शन पे हम आते हैं। हाँ मुंबई ट्रिप पे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ अलीशबा के साथ। तो ये गई थी बीच, बीच पता है क्या होता है इनको? जी ये तो वो भी आग ही होती है जी ये तो है। तो फिर मुंबई ट्रिप पे मैं बताता हूँ क्या हुआ था। बीच पे गए थे हाँ, तो वह ना पानी जो रहता है ना आग को समझ लिए थे, एकदम धूप थी एकदम रोशनी थी। तो सुनिए गाइस ये पानी को तभी वो आग समझते थे, उनको ध्यान नहीं था पानी में जाने से डर। तो बीच अब गाइस मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि ये सीक्रेट है। ये आपका इंटरव्यू अगले एपिसोड फोर में आपको मिलेगा बीच का इंटरव्यू। तो अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगता है अजान शो का, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मार दिए,
और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे सारे के सारे एपिसोड आप पूरे देख के जल्दी से जल्दी कमेंट लाइक कीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, जो भी है वीडियो जो हमने बनाया है वो आपके पास पहुँचे। तो गाइस बाय।